हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 5 से 17 आयत तक। शाही यहूदिया हेरोदीस के आयाम में इबिया के फरीक में से जिक्रिया नामी एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की बेटियों में से थी और उसका नाम अलिसबात था और वो दोनों खुदा के नज़दीक रास्तबाज थे और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे और उनके कोई बच्चा ना था क्योंकि अलिसबात बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। और ऐसा हुआ कि जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर फराइज़ से कहानत अदा करता था तो कहानत के दस्तूर पर उसका कुर्रा निकला कि खुदावंद की हैकल में जाकर लोबान जलाए और लोगों की सारी जमात लोबान जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। तब उसको खुदावंद का एक फरिश्ता लोबान की कुर्बान गाह के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ दिखाई दिया और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा कि ऐ ज़िक्रिया ना डर, क्योंकि तेरी दुआ सुनी गई है और तेरी बीवी अलिसबात के तेरे लिए बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुरमी होगी और बतेरे उसकी पैदाइश के सबब से शादमान होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बड़ा होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और नशा पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से रुल कदुस से भर जाएगा। और बनी इसराइल में से अक्सरों को खुदावंद उनके खुदा की तरफ रजू कराएगा और वो उसके आगे आगे इलियास की सी रूह और कुवत में चलेगा के वालिदों के दिल औलाद की तरफ और सरकशों को रास्तबाजों की दनाई की तरफ और खुदावंद के लिए एक मुस्तदित कौम तैयार करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज कलीसिया बड़ी अकीदत और शादमानी के साथ मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश की ईद मनाती है। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबाकी खुदावंद यीशु मसीह का खालाजाद भाई, मुकद्दस ज़िक्रिया और मुकद्दसा अलिसबात का बेटा पैदाइशी से रूह से मामूर और पुराने अहदनामे का आखिरी नबी है। उसकी पैदाइश की बशारत जबराइल फरिश्ते ने ज़िक्रिया को दी और उसका नाम यूहन्ना रखने को कहा, जिसका मतलब है खुदा मेहरबान है। जब वो माँ के बतन में ही था उसने यीशु मसीह को पहचाना और बतन में खुशी से उछल पड़ा। यही वो लम्हा था जब यूहन्ना इस्तबाकी मारूसी गुनाह से पाक हुआ। जबराइल फरिश्ते ने पेशनगोई की थी कि वो अपनी माँ के बतन ही से रूल कदुस से भर जाएगा और ये पेशनगोई उस वक्त पूरी हुई जब वो मुकद्दसा मरियम और मुकद्दसा अलिसबात की मुलाकात पर रूह से मामूर हुआ। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबाकी को निजात की तारीख और कलीसिया में खास मुकाम हासिल है। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबाकी की पैदाइश यीशु मसीह की पैदाइश की मानिंद मौजज़ाना है। दोनों की पैदाइश पर फरिश्ते ने बशारत दी, दोनों का नाम फरिश्ते ने रखा। यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना इस्तबाकी की अस्मत में कहा, उनमें से जो औरतों से पैदा हुए यूहन्ना इस्तबाकी से बड़ा कोई नहीं। नबियों में से सिर्फ यूहन्ना इस्तबाकी को ये कहने का शर्फ हासिल हुआ कि देखो खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना बियाबान में रहता, ऊंट के बालों का लिबास पहनता और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधता था और टिड्डियाँ और जंगली शहद उसकी खुराक थी। यूहन्ना ने खुदा की बादशाही की मुनादी की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। उसका बपतिस्मा तौबा का था, उसका मकसद निजात दहिंदा की राह तैयार करना था जो रूल कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबाकी खुदा के एक खास मंसूबे के तहत पैदा हुआ कि यीशु अल मसीह की राह तैयार करे और उसकी गवाही दे। उसने खुदा के रूह में परवरिश पाई और खुदा के बुलावे को कामिल वफादारी के साथ कबूल किया, लोगों को तौबा की मुनादी की और उन्हें रूल कदुस के बपतिस्मे के लिए तैयार किया। उसने हलीमी के साथ यीशु का इकरार किया, जुरत और शजायत के साथ सच्चाई का प्रचार किया और उस पर कायम रहा हत्ता के सर कलम करवा लिया।
नबी, शहीद और मुकद्दस होने के साथ साथ यूहन्ना इस्तबागी हमारे लिए खुदा का अजीम तोहफा है, खुदा की मोहब्बत और प्यासी का निशान है। खुदा हमें यूहन्ना इस्तबागी जैसी वफादारी, ईमानदारी, हलीमी, हौसला और सच्चाई अता करे। Radio Veritas Asia.